नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल टॉक में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करेंगे हवाई टिकटों की पूरी वापसी के लिए केंद्र और DGCA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है, जिन यात्रियों ने अपनी टिकट बुकिंग 23 मार्च से पहले की हुई थी उनका रिफंड एयरलाइन कंपनियां नहीं दे रही हैं। उन कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जजेस की बेंच में जस्टिस NV रमन, SK कौल और BR गवई शामिल थे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आदेश दिया कि एयरलाइन कंपनियों के द्वारा कस्टमर्स को रिफंड ना करना और उनका पैसा रख लेना सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट मई 2008 के रूल को वायलेट करता है। इसलिए उन्हें यह कहा गया कि एयरलाइंस कंपनियां उस अमाउंट को जल्दी ही कस्टमर के अकाउंट में रिफंड करें। यदि कस्टमर ने बुकिंग के दौरान पेमेंट क्रेडिट कार्ड से की थी तो उनका रिफंड वे 7 दिन में कर सकती हैं, लेकिन यदि पेमेंट कैश हुई थी तो उसका रिफंड उन्हें सेम डे में ही किया जाना चाहिए। बता दें आपको कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट मई 2008 के अंतर्गत रिफंड की लिमिट 30 वर्किंग डेज रखी गई थी जिसमें कि एयरलाइंस को रिफंड प्रोसेस करना था। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के आने के बाद उन कस्टमर्स को काफ़ी राहत मिली जिनका पैसा एयरलाइंस कंपनियों के पास फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया गया कि जिन यात्रियों की टिकट बुकिंग या ट्रेवल लॉकडाउन के दौरान था उन यात्रियों को एयरलाइन कंपनियों से फुल रिफंड मिलेगा, फिर चाहे आपकी बुकिंग किसी भी समय की हो। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं यह न्यूज़ आपको पसंद आई होगी और अगर यह न्यूज़ आपके या किसी और के काम आ सकती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।